जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस महबूबा और फारूक पर किया सीधा वार, कहा अब नहीं चलेगा तीन परिवारों की दादागिरी। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया भरोसा, कहा अब आपके साथ कोई नहीं कर सकता अन्याय। कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है, अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। 5 अगस्त 2019 के फैसले को अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक, कहा अब भारतीय संविधान के सभी अधिकार यहां के लोगों को मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर को दिए 55,000 करोड़ के पैकेज में से 33,000 करोड़ रुपए खर्च, शाह ने कहा एक वक्त सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज थे, आज 7 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो चुकी है। जम्मू में अमित शाह ने कई विकास योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास, 210 करोड़ की लागत से आईआईटी जम्मू के नए कैंपस का किया उद्घाटन। गृहमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लिए पीएम मोदी के लगाव का किया जिक्र, कहा पीएम मोदी के दिल में बसता है जम्मू कश्मीर। इस राज्य का लग गया बताओ जम्मू और कश्मीर का, क्योंकि मोदी जी के दिल में जम्मू और कश्मीर बसा है मित्रों, मोदी जी के दिल में। अमित शाह का जम्मू में बड़ा बयान, कहा यह है मंदिरों की भूमि, जम्मू कश्मीर की शांति में खलल डालने वालों को कभी सफल नहीं होने देंगे। जम्मू के डिगियाना गुरुद्वारे का अमित शाह ने किया दौरा, टेका मत्था। आरएसपुरा सेक्टर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के आखिरी पोस्ट पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, साथ में थे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। फारूक अब्दुल्ला ने फिर अलापा पाकिस्तान से बातचीत करा, कहा बिना संवाद कश्मीर में नहीं आएगा अमन। वो अमन कभी नहीं आएगा, मेरे खून से लिख लीजिए, जब तक कश्मीर के जम्मू कश्मीर के लोग साफ नहीं होगा वो अमन नहीं आएगा। पुंछ में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन, एक पाकिस्तानी आतंकी मारा गया। पुंछ के जंगलों में मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी घायल, सेना का भी एक जवान घायल। कोरोना संकट के बाद वाराणसी में आज प्रधानमंत्री की पहली बड़ी रैली, 64,000 करोड़ की लागत वाली प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना करेंगे लॉन्च। अपने संसदीय क्षेत्र के लिए 2 दर्जन से ज्यादा विकास योजनाओं का तोहफा लेकर जा रहे हैं प्रधानमंत्री, दिवाली से पहले 5,200 करोड़ के प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण। यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का उपहार देंगे पीएम, सिद्धार्थनगर से वर्चुअल लोकार्पण की तैयारी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया जायजा, जनसभा में 2 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद। कमिश्नरी कंपाउंड में शिव के डमरू के आकार के भवन का भी होगा शिलान्यास, रिंग रोड के बाद करीब 325 करोड़ रुपए की दूसरी बड़ी परियोजना। आर्यन ड्रग्स केस में आज फिर एनसीबी दफ्तर में पेश होंगी अनन्या पांडे, दोनों के बीच चैट में हुई बातचीत की तफ्तीश कर रही है जांच एजेंसी। आर्यन केस में पंच प्रभाकर सेल का दावा, सादे कागज पर कराए साइन, 25 करोड़ में आर्यन की रिहाई की हुई थी डील। आर्यन ड्रग्स मामले में प्रभाकर के एफिडेविट पर एनसीबी ने थोड़ी चुप्पी, 25 करोड़ की डील को बताया बेबुनियाद। ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सेल के दावे पर संजय राउत का बयान, महाराष्ट्र सरकार को करनी चाहिए मामले की जांच। क्रूज ड्रग्स मामले में बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, 1 महीने के लिए आर्यन खान को भेजा जाए नशा मुक्ति केंद्र। आज दोपहर अयोध्या पहुंचेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, सरयू आरती में होंगे शामिल। मंगलवार को रामलला के दर्शन करेंगे केजरीवाल, हनुमानगढ़ी मंदिर जाने का भी प्लान। आप नेता संजय सिंह ने केजरीवाल के दौरे के पहले बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा केजरीवाल पर हमले की है तैयारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अगर रामलला का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो उसमें किस बात का दर्द, किस बात की तकलीफ, किस बात की परेशानी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को हो रही है। केजरीवाल के अयोध्या दौरे को लेकर संत समाज ने जताया ऐतराज, कहा पहले नकारा राम का अस्तित्व, अब सियासी फायदे के लिए आ रहे हैं सीएम। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव 41 महीने बाद पहुंचे पटना, तेजस्वी और तेज प्रताप ने किया स्वागत। लालू के पटना लौटने पर हाई वोल्टेज ड्रामा, तेज प्रताप के घर नहीं पहुंचे लालू तो बेटे ने दिया धरना, लालू राबड़ी ने मिलकर मनाया। दिल्ली से पटना रवाना होने से पहले लालू प्रसाद यादव ने बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास पर साधा निशाना, बताया बेवकूफ। भक्त तो ना रही है उसको कुछ पता
लालू यादव के बयान पर भड़के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी, दलितों को का अपमान बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार उपचुनाव में एनडीए की जीत का किया दावा, कहा कांग्रेस के पास नहीं है जनाधार। कैप्टन की महिला मित्र अरूसा आलम को लेकर मचे बवाल पर हरसिमरत कौर का तंज, कहा पंजाब कांग्रेस में चल रहे ड्रामे पर बन सकता है टीवी सीरियल। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल का बड़ा बयान, कहा 5 साल चलेगी महाअघाड़ी सरकार, परेशान करने वालों को दफना देंगे। गोरखपुर में एम्स और खाद कारखाने के निर्माण का जायजा लेने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, काम जल्द पूरा करने के निर्देश। राजस्थान बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर घमासान के बीच सतीश पुनिया का बयान, कहा संसदीय बोर्ड तय करेगा नाम। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, 14 से 29 नवंबर तक आंदोलन करेगी कांग्रेस। पीएम मोदी पर चिदंबरम ने किया हमला, कहा पेट्रोल भी 100 रुपए प्रति लीटर हुआ, पीएम मोदी को मनाना चाहिए जश्न। छत्तीसगढ़ के जसपुर में एक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जमकर हंगामा, मंच पर टीएस सिंहदेव का नाम लेते ही दूसरे गुट ने माइक छीना, जमकर की धक्का मुक्की। हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन और मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान, कहा क्यों बदले जाएंगे सीएम, सबसे अच्छा काम करते हैं मनोहर लाल। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर किया पलटवार, कहा तोमर के सपने नहीं होंगे पूरे, आंदोलन होता जाएगा मजबूत। पीकेयू नेता राकेश टिकैत का सरकार पर एक और वार, कहा झूठ बोलने में गोल्ड मेडल जीत चुकी है सरकार। लेकिन अभी तो जो मसले हैं, अभी तो मसलों का समाधान हो। मथुरा में दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर किसानों का प्रदर्शन, टोल के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। इम्फाल में वैक्सीनेशन के लिए गेट अ शॉट विन अ प्राइज अभियान की शुरुआत, फर्स्ट प्राइज विनर को मिलेगा बड़े स्क्रीन वाला टीवी। अयोध्या में राम की पैड़ी पर जोर शोर से चल रही है दीपोत्सव की तैयारी, चमकाए जा रहे हैं घाट। मुंबई के धारावी में अभिनेता सोनू सूद ने वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को किया जागरूक, कहा इस मुहिम का मकसद पूरे देश को कोरोना मुक्त बनाना है। धौलपुर में सड़क के लिए भूख हड़ताल पर बैठे गांव वाले 26 अक्टूबर को होने वाले चुनाव का कर चुके हैं बहिष्कार। सिरसा एलनाबाद उपचुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने लगाया जोर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने पवन बेनीवाल के लिए मांगा वोट। शाहजहांपुर में राजपूत रेजिमेंट के जवानों ने निकाली बुलेट रैली, शौर्य चक्र विजेता शहीद नायक जदुनाथ सिंह को दी श्रद्धांजलि। पंजाब के मुक्तसर में डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या पर जागी सरकार, परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह राजा ने पीड़ितों के घर जाकर जाना हाल। पंजाब में बेमौसम बरसात से किसानों की धान की फसल बर्बाद, डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनी ने दिए मुआवजे का एस्टिमेट बनाने के निर्देश। नालंदा के बैदराबाद में पंचायत चुनाव के दौरान दबंगों ने दलित मतदाताओं को वोट डालने से रोका, महिलाओं के साथ मारपीट का आरोप। बुरहानपुर में आदिवासियों के साथ ताल से ताल मिलाते दिखे ज्योतिरादित्य सिंधिया, गहलोत सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। एक सांस्कृतिक प्रोग्राम में भोजपुरी गाने पर जमकर नाची कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे, वीडियो वायरल। पीएम मोदी ने 82वीं बार रेडियो पर की मन की बात, अब तक 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन पर देश को दी बधाई। श्रीलंकाई नौसेना ने इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंपा तमिलनाडु के मछुआरे का शव, 18 अक्टूबर को नेवी के शिप से टकराकर नाव डूबने का दावा। पंजाब के निजी अस्पतालों ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लोगों के इलाज से किया इनकार, 644 अस्पतालों का 144 करोड़ रुपए का पेमेंट पेंडिंग। बॉबी देओल की आश्रम वेब सीरीज में आश्रम शब्द के इस्तेमाल को लेकर बवाल, भोपाल में बजरंग दल ने शूटिंग के दौरान की तोड़फोड़। बाड़मेर में पेट्रोल पंप मालिकों ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान, पेट्रोल भरवाने के लिए लगी लंबी कतारें। बारामती में रोडवेज बस में महिला ने बच्चे को दिया जन्म, दुर्गपुर से पुणे जाते वक्त सफर के दौरान डिलीवरी। चार दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया आर्मी के आईटी सेल का जवान, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप। यूपी के बस्ती में मामूली विवाद में भड़का युवक का गुस्सा, तराजू और बांट मारकर की 10वीं के छात्र की हत्या।
मेरठ में सरे बाजार चेन छीनने की कोशिश नाकाम, महिला ने एक स्कूटी सवार बदमाश को सड़क पर पटका, जमकर हुई धुनाई। बारामती में पति के इलाज के लिए पैसा इकट्ठा न होने पर पति ने की आत्महत्या, 4.5 लाख रुपए जमा करने के बाद अस्पताल ने की थी और पैसे की मांग। करवा चौथ के दिन हत्या के आरोपी पति से पत्नी ने करवाया सरेंडर, पुलिस को फोन करके कहा पति के लिए रखा है व्रत, गोली मत मारना। पुदुचेरी में दिन दहाड़े गैंगस्टर सहित 2 लोगों की हत्या, 5 बदमाशों ने बरसाई गोलियां, गैंगवॉर का शक। रीवा में विधानसभा अध्यक्ष के बेटे ने टोल प्लाजा पर की तोड़फोड़, हुटर बंद करने की बात सुनकर भड़का गुस्सा, टोल अधिकारियों के साथ गाली गलौज। अमरावती में हाईवे पर पलटा बेकाबू ट्रक, हादसे के बाद शॉर्ट सर्किट से लगी आग, ट्रक चालक ने कूदकर बचाई जान। इंदौर में लड़की बनकर बाइक चुराने वाला शख्स गिरफ्तार, आर्थिक तंगी की वजह से करता था वारदातें। जांगलिक से किन्नौर आ रहे 3 ट्रैकर्स ने तेज बर्फबारी के बीच गवाई जान, 10 ट्रैकर्स का रेस्क्यू। चमोली के डुंगरी गांव में लगातार भूस्खलन से दरार, पूरे गांव पर मंडराया खतरा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी में फंसे 2 की मौत, 2 सुरक्षित रेस्क्यू, अनंतनाग के सिमथांग दर्रे की घटना। केदारनाथ धाम में सीजन की दूसरी बर्फबारी शुरू, माइनस में पहुंचा पारा, 1 इंच तक जमी बर्फ। दिल्ली के कई इलाकों में जोरदार बारिश, तापमान में गिरावट। T20 वर्ल्ड कप के महामुकाबले में भारत की शर्मनाक हार, 10 विकेट से जीता पाकिस्तान। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी ने बदला इतिहास, दोनों सलामी बल्लेबाजों ने मिलकर 17.5 ओवर में हासिल किया 152 रन का लक्ष्य। टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार जैसे दिग्गज गेंदबाज फेल, नहीं ले पाए 1 भी विकेट। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी टीम इंडिया, कप्तान कोहली के 57 और ऋषभ पंत के 39 रनों के दम पर भारत ने बनाया 151 रन का स्कोर। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत का रिकॉर्ड टूटा, पाकिस्तान ने पहली बार दी है करारी शिकस्त।